अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपसे लौकी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। लौकी गोश्त के लिए जो है मुझे क्या चीज़ें चाहिए, ये मैंने तकरीबन जो है 1 किलो गोश्त है ये बछिया का मैंने ले लिया है, और इसमें जो है मैंने 2 गट्ठी प्याज की ले ली है, उसको स्लाइस में काट लिया है बारीक बारीक। मसालों में क्या जाएगा, ये 4 चम्मचे जो हैं लहसुन अदरक के हैं तकरीबन 4 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून लाल मिर्चे हैं, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा है, 8 से 10 काली मिर्चे हैं, और 1/4 टीस्पून ही हल्दी है। तो बस इन थोड़े से मसालों में ये लौकी गोश्त बनेगा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, और तकरीबन 1 पाव में लौकी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैन मैंने गरम कर दिया है, इसमें मैं से पहले बता चुकी हूँ कि ये ईवा का ऑयल है, जो कि बहुत ही मज़े का और टेस्टी खाना बनता है इसमें। तो तकरीबन मैं इसके 4 to 5 वाले स्पून ये वाले ऑयल के डालूंगी ईवा के। ये देखें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल के डाल दिए हैं, ऑयल मेरा गरम हो रहा है, और मैं अब इसमें स्लाइस हुई भी प्याज डाल दूंगी। ये देखें प्याज मेरी जो है जैसे ही सॉफ्ट होगी, थोड़ी सी मुझे ज़्यादा चलाना नहीं है प्याज को, तो जैसे ही थोड़ी सी ये रेड फॉर्म में आएगी, पिंक फॉर्म में आएगी या रेड फॉर्म में आएगी, तो उस पर मैं फिर उसमें गोश्त शामिल कर दूंगी। तो जब तक ये मेरी प्याज लाल हो रही है, ये देखो मैंने गोश्त डाल दिया, प्याज मेरी जैसे ही रेड हुई मैंने इसमें गोश्त डाल दिया। फ्राई करूंगी अब गोश्त को अच्छी तरह, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए जब तक, और लहसुन अदरक के साथ ये सारे मसाले जो है मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह उसका पेस्ट बना लूँगी, और फिर ये पेस्ट जो है गोश्त में शामिल कर दूँगी। ये देखिए गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, देखिए अच्छी तरह ये फ्राई हो चुका है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ये मसाला शामिल कर रही हूँ, इसके अंदर ये डाल दूंगी ये सारा मसाला। ये देखिए मैंने मसाला शामिल कर दिया, बस अब इसको थोड़ा सफाई डाल के भूनूंगी, ताकि गोश्त और मसाला मिक्स हो जाए। ये देखिए तकरीबन 1/4 ग्लास मैंने पानी डाल दिया, ताकि हमारा मसाला गोश्त और सब मिक्स हो जाए। जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होगा, मैं इसमें तकरीबन 2 से 2.5 ग्लास पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दूँगा। ये देखिए गोश्त हमारा भुन रहा है, सिर्फ मैंने 1/4 ग्लास पानी डाला था, सिर्फ इस वजह से कि मसाले मेरे मिक्स हो जाएं गोश्त में, लहसुन अदरक वगैरह सब कुछ मिक्स हो जाए, बस ऑयल हमारा सेपरेट हो रहा है। अब इस फॉर्म में मैं तकरीबन 2 ग्लास पानी शामिल करूँगी। ये देखें तकरीबन 2 ग्लास मैंने पानी शामिल कर दिया, बस अब मैं इसको कवर कर रही हूँ जब तक हमारा गोश्त गल रहा है। जैसे ही थोड़ा सा मेरा गोश्त जो है गलने के लिए टाइम लेगा, तो उसके बाद मैं टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें 2 से 3 टमाटर मैंने ले लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया, तो पेस्ट मैंने इसमें गोश्त में शामिल कर दिया। बस थोड़ा सा जो है गोश गलने में थोड़ा टाइम लेगा, बस इस फॉर्म में आकर मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया, मैंने मिक्स कर रही हूँ। बस ये जैसे ही टमाटर का पेस्ट घुल जाएगा, फिर मैं इसमें लौकी शामिल कर दूँगी। ये देखिए मैंने लौकी काट ली है, बस ये लौकी जो है जैसे ही टमाटर का पेस्ट घुलेगा मैं इसमें लौकी शामिल कर रही हूँ। तो ये देखें टमाटर का पेस्ट बिल्कुल जो है गोश्त में हमारे शामिल हो गया, बस अब गोश्त हमारा थोड़ा सा जो है इसमें गलने में थोड़ी सी कसर रह गई है, बस अब मैं ये कटी हुई लौकी इसमें शामिल कर दूंगी।
इतना शोरबा है मेरे पास, इसी में मेरी लौकी गल जाएगी और इसी में मेरा गोश्त भी पूरा गल जाएगा। उसके बाद जब तक ये लौकी गलेगी, ऑयल सेपरेट होगा और मैं इसको भूनने के बाद कितना पानी डालने वाली हूँ ये आपको मैं दिखाती हूँ। कवर कर दिया है मैंने जब तक मेरी लौकी गल रही है और गोश्त भी मेरा फुल डन हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको भून के जितना मुझे पानी चाहिएगा वो मैं शामिल करूँगी। ये देखें बस अब पानी हमारा खुश्क हो रहा है शोरबा, और लौकी भी इसी में गल गई और इसी में हमारा गोश्त भी डन हो गया। बस ऑयल सेपरेट होगा तो मैं इसमें तकरीबन 1.5 से 2 ग्लास पानी शामिल करूँगी जितना मुझे शोरबा चाहिए होगा। ये देखें ऑयल सेपरेट हो रहा है मेरा बस, और मसाला भी भुन गया और गोश्त और लौकी भी गल चुकी है। तो अब मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास पानी शामिल कर रही हूँ। ये देखें तकरीबन 1.5 ग्लास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। आपको जितना शोरबा रिक्वायर्ड हो आप उतना कर सकती हैं आप लोग। बस ये देखें शोरबे की कंसिस्टेंसी, दम पे मैं 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी ऊपर से, और पुदीना मेरे पास है नहीं अवेलेबल, वो भी स्प्रिंकल करती हूँ मैं, अभी मेरे पास है नहीं। बस ये 5 मिनट इसको दम दूंगी गरम मसाला डालकर, उसके बाद इसको डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखिए थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें मैंने ऊपर से डाली हैं गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा सा मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया। आप लोगों के पास पुदीना अवेलेबल हो तो वो भी ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत मज़े का उसका टेस्ट होता है। बस 5 मिनट बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी इसका फाइनल लुक। तो ये देखें फाइनल लुक इसका लौकी गोश्त का, इसको दिल्ली के स्टाइल में घिया गोश्त कहते हैं हम लोग। तो जो है ये मैंने डिश आउट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाया है, जैसा ये देखने में वैसे ही बहुत खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट में राय दीजिए आपको कैसा लगा वीडियो, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।